जा रहे हैं, ये आज की ब्लॉगिंग है। चार दिन से मेरी राजकुमारी बोल रही थी कि माँ मुझे हॉर्स राइडिंग के लिए जाना है, माँ मुझे हॉर्स का। हमने सोचा कि राजकुमारी को रेडी किया जाए, क्योंकि आज 26 जनवरी है। हॉर्स राइडिंग स्कूल ने बोला कि मैडम आज बंद रहता है, आई सेड आप मुझे बोल रहे हो बंद रहता है, मेरी बेटी आ रही खुलवा दीजिए। सो खुल चुका है, अस्तबल खुलवा दिया है मैंने, अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ। तो मैंने फिर शानू को बोला, मैंने कहा शानू तुम भी आ जाओ। सो भतीजा है मेरा, बेटे की तरह है। सो राजकुमार और राजकुमारी दोनों को लेके जा रही हूँ मैं घुड़सवारी के लिए। ये है क्वीन अंजना। तो एक राजकुमारी निकली थी झांसी से, झांसी की रानी, एक निकली है ग्वालियर से, हम हुए थे ग्वालियर में पैदा, वहीं की रानी है। अब देखो रानी हम बोल इसलिए है, जो बोलोगे वो होगा। अभी कली का तो वीडियो आपने देखा था, है ना, यू आर वॉट यू लिसन टू, राइट। सो यस, आई फील लाइक आई एम अ क्वीन एंड आई हैव माई प्रिंसेस विथ मी। प्रिंसेस कैसी शक्ल लग रही है तुम्हारी और हमारा प्रिंस हमारे साथ में। सो यस वी आर गोइंग फॉर अ हॉर्स राइडिंग। सो होता ये है कि जब भी हम टैक्सी से जाते हैं तो कभी फोन पे करो कभी जी पे करो। तो अभी मैंने शानू को बोला, शानू एक मैनेजर रख लेते हैं, उसकी बैंक में बहुत सारा पैसा डाल देंगे, अपन उतर जाएंगे और वो पे करता रहेगा टैक्सी वालों को। तो ये टैक्सी वाले भैया कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो बताओ जरा। सारी सुविधाएं मिलेगी हमारे पास, क्या आपको रख लूं, पैसे भी आपकी बैंक में भर दूं, हाँ टैक्सी भी मिलेगी, आप भी मिलोगे, हर जगह पे करते जाओगे, सब मैं कर दूं। मतलब होना ऐसा चाहिए कि जैसे हम किसी शॉप पे गए, समझो हीरे की दुकान पे गए, हीरा खरीदा, हम निकल जाएंगे, आप पे करते रहोगे पीछे से बिल, पक्का? बिल्कुल पक्का है ना। रेस्टोरेंट में गए कुछ खाया लेकिन आप बिल पे करोगे, हम निकल जाएंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अर्जुन सोनी। अर्जुन सोनी, और तो ये टैक्सी आपकी है? बिल्कुल। तो आप करोगे हमारे लिए काम? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, मुझे डिसाइड करने दो, आपका नंबर हम ले लेते हैं, है नंबर आप ले लीजिए, बहुत जल्दी ऊपर वाला मैं आपको हायर करूँ इन्हीं कामों के लिए, है कि नहीं? हाँ। ये थैंक यू सो मच बहुत मजा आता है मुझे ऐसे चलो इनका नंबर ले लेते हैं। ग्वालियर की रानी और ये है मेरी राजकुमारी, दोनों माँ बेटी सेम घोड़े पे जाएंगी तब मजा आएगा। एक घोड़ा और ले आओ तब मजा आएगा, है ना। हेलो हाथों, हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? इसका नाम क्या? चेता। चेता, ओह वाओ, हेलो चेता, कैसे हो? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर अ लवली सोल, यू आर सो लविंग, है ना।
बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ सुकून से बैठी हूँ, पीछे मेरी बेटी घुड़सवारी कर रही है, सीख रही है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। उधर मेरा भतीजा है, और बस ये स्टेप एप्पल आना चाहती थी। और इस तरह से छोटे छोटे हम बहुत एक्शंस लेते हैं लाइफ में अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आपकी दिनचर्या में, आपके डेली रूटीन में आप वो कीजिए जो आपको पसंद है, उससे आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आप जॉयफुल मूड में होते हो। यही छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जिनको मैं लगाती हूँ, यू नो, जॉयफुल मूड में रहने के लिए। और जब मैं यहाँ पे खुश हो रही होती हूँ, यू नो, मैं सोचती हूँ मेरा भी फार्म हाउस होगा, मेरे खुद के घोड़े होंगे, जहां पे मेरी बेटी हॉर्स राइडिंग कर रही होगी, मैं इस तरह से बैठ के सुकून से देख रही होंगी अपने बच्चों को, यू नो, जब ये फीलिंग आती है, जब ये वाइब्रेशन आती है, तो ऐसा हो जाता है, फीलिंग इज द सीक्रेट। सो फीलिंग इज द सीक्रेट, यू हैव टू फील गुड अबाउट इट, यू हैव टू फील गुड अबाउट यू, यू हैव टू फील गुड अबाउट योर लाइफ। सो बहुत मजा आ रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है। यस, this year I was like, okay, let's try again, and so today I came for a class and I'm probably gonna learn, this is so cool. किससे बातें करती है एप्पल बेटा? ये अंग्रेजी में तो पटर पटर कर रही थी, जो हमें समझ में नहीं आया। हाँ, तो तुमको पता नहीं तुम्हारी मत देसी है, हमें समझ में आती विदेशी भाषा। हाँ, फिर से बोलना, कब बोल रही थी अंग्रेजी में? फिर से बोल के, वैसे की मैं बोल के सुना हमें, जो तुमने अपनी सहेली को अंग्रेजी में बोला, हम सुनना चाहते दोबारा। I said that I had a lot of fun and I wanted to go horse riding and so I tried going horse riding last year. But we had to travel and like we went to US and so I couldn't join the class, and so this year I tried again and we came to this place and I'm probably gonna learn here, which is very exciting, and I love the horses here, the horses are so cute and adorable. Yeah, that's just like me talking in excitement. सवारी करनी है, लड़की घुड़सवारी करके आ गई है और अब कुछ खाना चाहती है, तो चलो आइए। सो बेसिकली हम बाहर निकले थे, तो जब तक कुछ खाएंगे नहीं तब तक हमारा दिन कैसे पूरा होगा, है ना? चलो आ जाओ। ये आ जाओ, फाइनली आई एम सो हंग्री, भतीजा मुझे बता रहा है पिज्जा खाने का एक तरीका, बेस्ट तरीका, जिससे टेस्ट नहीं, नहीं।, नहीं है। अरे बाबा टेक्निकली बताओ ना, मैं कहाँ बोल रही हूँ, खा के बताओ। टेक्निकली ये कि हाँ, इसको ये वाला जो पार्ट है, हाँ, ये पहले जबान पे जाए ऐसे, तो इससे होता क्या है, तुमको ये वाले पार्ट का टेस्ट सबसे पहले आता है। और अगर पिज्जा को ऐसे खाएंगे तो कैसे खाएंगे? ब्रेड पार्ट पहले मालूम पड़ेगा। तो अच्छा, तो ब्रेड पार्ट, हाँ, जैसे ऐसे खाएंगे तो ब्रेड पहले आती मुंह पे, और क्या खाएंगे तो फिर ये टॉपिंग्स पे आता है ऐसे। ओ चलो ऐसे खा के देखते हैं, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसे खाएं, चलो ऐसे नहीं खाएं, ऐसे खाएं। ओ यार इट्स हां, एक्चुअली गाइस पिज्जा ऐसे नहीं खाया जाता, पिज्जा शानू ने बोला ऐसे खाओ, मैं खा रही थी ऐसे, और एप्पल ने तो एक कुछ और बोला। क्या तुम्हारी क्या टेक्निक है? सर कि रोमिल लो और लंग्स में फ्लिप करो, फ्लिप कर दो, मतलब ऐसे खाने के बजाय नहीं ऐसे ही खाऊं, ऐसे खाया चीव मत करो टंग्स। किया किया फ्लिप किया